टाइमर लगा लो, 1 2 3। हेलो एवरीवन, दिस इज विनय शर्मा। इसके पहले हमने करंट के बारे में बात करा था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करा था, और हमने चार्ज के बारे में भी बात करा था। अब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल डेफिनेशन के साथ। सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक कंडक्टर ले लेते हैं और अगर उसके एंड्स में जो भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के। ये लॉ तब तक फॉलो होता है जब तक कि फिजिकल कंडीशंस भी कांस्टेंट रहे। मेरे कहने का मतलब है, फिजिकल कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर हो गया आपका, प्रेशर हो गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गया आपका, अगर इन सारे क्वांटिटीज को अगर आप कांस्टेंट रख के चलते हो तो हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि डेल्टा वी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और फिजिक्स का ये रूल कहता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है उसके बदली एक कांस्टेंट आता है। हेयर द कांस्टेंट इज आर, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेशल साइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम से दिखाते हैं। ओम का साइन कुछ ऐसा है, और एक्चुअली ऐसा यूनिट होता है वो, सॉरी, रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है उसको हम लोग ओम कहते हैं और इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो अब रही बची बात कि ओम्स लॉ फॉलो कौन कौन करता है। ये लॉ ओमिक कंडक्टर्स ही फॉलो करते हैं, जैसे कि इस लाइन पे लिखा हुआ है, दिस लॉ इज ओनली फॉलोड फॉर ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर जितने भी मेटल्स हो गए, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब सारे मेटल्स ओमिक कंडक्टर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ओम्स लॉ बहुत ही अच्छे तगड़े तरीके से काम करता है। अगर आप सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो सेमी कंडक्टर जो है वो एक नॉन ओमिक कंडक्टर है। नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब है कि वो ओम्स लॉ वो फॉलो नहीं करेगा वहां पर। सेमी कंडक्टर के केस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, इसीलिए उसको एक नॉन ओमिक कंडक्टर भी हम कहते हैं। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हम ग्राफिकली अब समझने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसा है। अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं आई वर्सेस, सबसे पहले हम डेल्टा वी वर्सेस आई इस इक्वेशन को देख के एक ग्राफ अगर प्लॉट करा जाए, वाई एक्सिस पर डेल्टा वी को रखा गया है और एक्स एक्सिस में आई को रखा गया है, तो हमेशा उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस को देगा। हमने क्लास 9th में इसके पहले स्लोप के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको पता होगा कि एसटी ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। उसी तरह डेल्टा वी वर्सेस आई ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा आपको रेजिस्टेंस देगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कंसेप्ट लगाना है कि एक्चुअली हमें स्लोप के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ना है, बट एक ग्लिम्स हम लेना चाहते हैं यहाँ पर। आपको कुछ नहीं करना है, उस ग्राफ में सिर्फ आपको टेन थीटा निकाल देना है। अगर आप ग्राफ का पैटर्न बदल देते हैं, अगर आई को रखते हैं वाई में और डेल्टा वी को रखते हैं एक्स में, तो इस बार जो टेन थीटा का जो वैल्यू आने वाला है वो आपको आर नहीं देगा, वो 1/r देगा, जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, दैट इज 1/r। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपका ये है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाय एच होता है, इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू आई बाय डेल्टा वी लिखे हैं वहां पे, टेन थीटा इज इक्वल डेल्टा वी बाय आई लिखे हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, कब आप टेन थीटा कैसे निकाल रहे हैं। तो याद रखने की बात ये है, जब भी डेल्टा वी वर्सेज आई ग्राफ लेंगे तो उसका स्लोप हमें उसका टेन थीटा हमें आर देगा, और जब हम आई वर्सेज डेल्टा वी ग्राफ लेंगे तो उसका स्लोप हमें कंडक्टेंस देगा, दैट इज 1/r। डेफिनेशन क्या है? इनवर्स ऑफ आर इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स का हम इस्तेमाल करके हम एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से आर की वैल्यू निकालिए। आई वर्सेस डेल्टा भी ग्राफ दिया हुआ है और एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/r, तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, 1/r, तो हियर आर इज इक्वल टू 1। मतलब इस ग्राफ से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया है वो 1 ओम के बराबर आया है। एक और क्वेश्चन है जो हम इस डील करने वाले हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इफ ए कंडक्टर कैरीज 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 2 सेकेंड बिटवीन पॉइंट्स ए टू बी मेंटेन्ड एट 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें एक रूल लगाना है, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, उससे यहाँ पे करंट का वैल्यू आएगा दैट इज 2/2, दैट इज 1 एम्पियर, और वहाँ से भी डेल्टा वी हम निकाल देंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, डेल्टा वी यहाँ पे क्वेश्चन में 5 है, आई यहाँ पर निकल के आया है 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है 5 ओम के बराबर, रेजिस्टेंस का ओम आया है 5 ओम के बराबर। लास्ट टॉपिक है, हम एक बार बात करने वाले हैं कन्वेंशनल करंट के बारे में। तो एक अर्लियर कंसेप्ट ये कहता है, कन्वेंशनल करंट ये कहता है प्रिंसिपल कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल करंट, ऐसा पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो मूव करती है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और जो आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो मूव करती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कन्वेंशनल करंट के हिसाब से करंट मतलब होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हमेशा करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है। अर्लियर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज वॉज बिलीव टू बी करंट। एक लिमिटेशन हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में, एट हाई करंट, अगर एक कोई कंडक्टर है अगर वो हाई करंट कैरी कर रहा है तो वो ओम्स लॉ कभी भी फॉलो नहीं करता है। थैंक यू।